2 plus 2. Question. Did you cheat on your last relationship? Question is, आप single हो? What is your YouTube income? So मैं बताऊँ. Your favorite position. So hello guys and welcome back to my channel Vlog with Shubham. So कैसे हो आप सब? I guess आप सब बढ़िया होंगे. आज Q&A vlog कर रहे हैं हम. And this is the most demanding vlog. मैंने आज तक अपने channel पे Q&A नहीं करा है कभी भी. This is the very first time I'll be doing a Q&A. आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगा आज. तो लेट्स बिगिन. सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं Q&A करने वाला हूँ. सो मैंने पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी Q&A की. एंड मैंने आप सभी को बोला था कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हो. सो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 250 प्लस रेस्पॉन्सेस आए थे. 250 प्लस लोगों ने रेस्पॉन्स कराया, क्वेश्चंस करे हैं मेरे से. एंड आई एम ग्लैड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. आपने टाइम निकाला, आपने क्वेश्चंस पूछे मेरे से, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड 250 क्वेश्चंस देखना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो मैंने उनसे कुछ सेलेक्ट करें एंड उनका मैं जवाब देने वाला हूँ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज, स्टार्ट करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जय श्री कृष्ण, विच इज योर फेवरेट होली प्लेस? ओके, सो जय श्री कृष्ण फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड माई फेवरेट होली प्लेस इज वृंदावन मथुरा, द मोस्ट, क्योंकि मैं वहीं पर गया हूँ एंड इट्स वेरी पीसफुल एंड वेरी होली, दैट्स वाई. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज माय एज? सो माय एज इज 26. आई एम 26 इयर्स ओल्ड राइट नाउ एंड 18th ऑफ जैन आई विल बी टर्निंग 27. यस, डेट ऑफ बर्थ याद रखना, बर्थडे पे गिफ्ट भेज देना, ठीक है, मजाक कर. सो द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ इज चुंग चुंग कोपिंग एंड इज इट टेम्पररी? सो यस, तो अबाउट चुंग चुंग गाइस, चुंग चुंग इज डूइंग प्रीटी फाइन. वो अच्छे से है, अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से खेल रहा है. एंड यस, वो मेरे पास टेम्पररीली है, परमानेंटली नहीं है. बिकॉज लोकसांग जब भी वापस आएगी शी विल टेक चुंग चुंग विद हर. मैं अभी बस उसकी उसका ध्यान रख रहा हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम एज ऑफ नाउ. सो यस. फोर्थ क्वेश्चन, हाय शुभम, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, नो क्वेश्चन, जस्ट कीप शाइनिंग. थैंक यू सो मच गाइज. ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू गाइज कि यार आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो यार. मतलब इंस्टाग्राम पे आप लोग जब भी मैं यूट्यूब डालता हूँ, पहले क्या बोला, चल सॉरी, यूट्यूब पे जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालता हूँ, रील डालता हूँ, आप लोग इतना सारा प्यार दिखाते हो. आप लोग मेरी स्टोरीज रीशेयर करते हो, आप लोग मेरी रील्स को रीशेयर करते हो, आप लोग मेरे टाइम निकाल के वीडियोस देखते हो. सो आई लाइक टू थैंक यू ऑल अपने दिल से यार. थैंक यू सो वेरी मच गाइस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. एंड आई ट्राई, मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ. मैं जो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, नहीं करा तो देखना मेरे पहले भी जितने भी ब्लॉग्स हैं, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ. अंटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, वैसा नहीं, आई डोंट रिप्लाई टू दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, चाहे कोई भी हो. सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज द लीस्ट आई कैन डू. आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई एंड आंसर यू ऑल. बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं जब आप लोगों से कम्युनिकेट करूँगा तो अच्छा लगता है, इट्स अ टू वे थिंग. ओके, सो आप लोग कर सकते हो. सो थैंक यू एंड आई लव यू ऑल. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज, एनी फ्यूचर प्लान्स फॉर लद्दाख ट्रिप? लव फ्रॉम लद्दाख. यस गाइज, आई विल बी प्लानिंग अ लॉट ऑफ ट्रिप्स. लद्दाख इज ऑन माई लिस्ट, ऑन टॉप में है. एंड लद्दाख है, मेरे को बहुत टाइम से जाना है, बस किसी न किसी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ. एंड द डे आई विल बी कमिंग टू लद्दाख, मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा, आई विल बी पोस्टिंग अबाउट इट. एंड फिर देखूंगा आप में से कौन कौन मेरे से मिलने आएगा, ठीक है. वैसे आई गॉट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट जो लद्दाख से लोग हैं एंड वो बोलते हैं कि आप आ जाओ घूमने, आ जाओ, हम आपको घुमा देंगे. सो तब देखूंगा मैं आप में से कितने लोग मेरे को घुमाओगे एक्चुअली में, ठीक है. सो लेट्स सी, वेरी सून आई विल बी प्लानिंग, नॉट इन 3-4 मंथ्स, आफ्टर दैट आई विल बी प्लानिंग जब सीजन आएगा लद्दाख का फिर से. एंड तब मैं देखूंगा आप में से कौन मेरे से मिलेगा, ठीक है. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, 2 + 2. मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. सेवंथ क्वेश्चन इज, आप सिंगल हो? गाइस मैं सिंगल हूँ, आई एम नॉट इन एनी रिलेशनशिप, कंप्लीटली सिंगल एंड आई एम हैप्पी लाइक दिस. आई एम हैप्पी ऑफ सिंगल, आई डोंट नीड एनीबडी एल्स, आई एम नॉट सीकिंग इन रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ कि एक खत्म हो गया तब कोई और चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम बेटर ऑफ अलोन, आई एम स्पेंडिंग माई क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स, माई फैमिली एज ऑफ नाउ. सो यस, आई एम बेटर ऑफ सिंगल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द स्माइल सो क्यूट? ओके, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछने के लिए. एंड आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, लाइक कुछ लोग अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है. तो थैंक यू सो वेरी मच, आपको मेरी स्माइल अच्छी लगती है, थैंक यू, ठीक है. ओके, टेंथ क्वेश्चन एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो सबको जाननी होती है, ठीक है, आप सब लोगों को जाननी होती है. एंड इस चीज़ के मेरे को इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए ना, मैंने आज तक आंसर नहीं करा था.
बट टुडे आई एम आंसरिंग दिस ऑन दिस क्यू एंड ए। जैसा आपने पूछा व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम, सो मैं बताना चाहूंगा आप लोग का बहुत ही बहुत पैसा है अंबानी मेरे। यूट्यूब स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 8-9 months हो गए, ठीक है। सो यार यूट्यूब इनकम कैसे होता है ना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, आई एम नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम द पास्ट 3-4 months, 3-4 महीने से मैं कॉन्टेंट नहीं डाल रहा हूँ। तो YouTube इन YouTube की जो इनकम होती है डिपेंड्स ऑन द व्यूअर्स यू आर हैविंग, दैट आपकी वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, आप पर वीडियो के हिसाब से पैसा कमाते हो। सो आपके वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, एंगेजमेंट कितने व्यूज आ रहे हैं और कितना वॉच टाइम, उसके बेसिस पे आप पे करे जाते हो, ठीक है। सो आई कैन नॉट टेल यू 1 month का सिस्टम, लाइक मैं बिकॉज 3-4 महीने से नॉट एक्टिव, सो आई एम नॉट अर्निंग ऐसा कुछ स्पेसिफिक उस चीज़ से। बट येस आई टेल यू राउंड फिगर कि अब तक मैंने कितना कमा लिया, आई टेल यू दैट गाइज, ठीक है। सो अगर एक राउंड अबाउट चीज़ बताऊँ आपको, सो अब तक मैंने जितना यूट्यूब से कमाया उससे मैं एक आईफोन 15 प्रो मैक्स ले सकता हूँ क्या। सो मैंने इतना अब तक ओवरऑल कमा लिया कि यार एक 15 प्रो मैक्स आप ले सकते हो। सो इससे आप आइडिया लगा लो कि मैंने अब तक कितना अर्न करा है, एंड दैट टू ये अमाउंट सिर्फ 4-5 महीने का बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से आई एम नॉट कंसिस्टेंट, अगर मैं कंसिस्टेंट होता तो और अच्छा ग्रो कर गया होता। बट येस अब धीरे धीरे पेसअप करेंगे एंड विल इम्प्रूव थिंग्स अलॉन्ग। सो या सो जिसको भी क्वेश्चंस थे कितना कमाते हैं आप लोगों को बता दिया है, अब तक स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना ही मैंने कमाया उसमें आप एक आईफोन 15 प्रो मैक्स ले सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू ऑलवेज लुक सो डिसअपॉइंटेड, यू हैव सैड आईज। ओके आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड या आई डोंट हैव सैड आईज, एक्चुअली द थिंग इज मेरा फेस बहुत एक्सप्रेशनलेस है, इमोशनलेस है। लाइक अगर मैं नॉर्मल बैठूंगा आपको लगेगा मैं गुस्से में बैठा हूँ, देखो जबकि मैं नॉर्मल बैठा हूँ। सो दिस इज माई फेस स्ट्रक्चर, बहुत सीरियस टाइप का फेस है मेरा, इसलिए बहुत लोगों का ऐसा लगता है। आई गेट दिस अ लॉट, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम गुस्से में रहते हो या तुमसे बात करने में डर लगता है बिकॉज आपको देख के लगता है कि आप गुस्से वाले इंसान हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा क्या बोलते हैं इसे, सीरियस वाला फेस है मेरा, तो उस वजह से आप लोगों को लगता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड इज समथिंग, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डूइंग गुड। सैड आईज, आईज छोटी छोटी हैं क्या पता लगता हो, ठीक है। 12th क्वेश्चन, योर फेवरेट पोजिशन। अब क्या सोच रहे हो भाई, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं है ऐसा। अरे यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, नॉट गोना आंसर दिस, don't ask me personal questions, okay? My favorite position is anulom vilom. Okay, next question is how to move on and have you. Okay, so karma ki jaise yaar dekho sabke life mein koi na koi relationship hota hai ya koi na koi cheeze hoti hain jo khatam bhi hoti hain point of time pe, yes. सो हाउ आई प्रेफर मूविंग ऑन इज कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यार ठीक है, जो भी चीज़ें अच्छी थी बहुत अच्छी बात है, जो भी चीज़ें बुरी थी उससे आप सीख लो कि क्या बुरा हुआ है आपकी लाइफ में एंड कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि वो गलती आगे ना हो। जो भी अच्छा टाइम था उसको चेरिश करो कि यार ये हमारा अच्छा टाइम था साथ में, एंड उसको याद रखो, अच्छे से रखो, एंड आगे मूव ऑन नहीं करता इंसान एक्सेप्ट कर लेता सिचुएशंस कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे थी, आप एक्सेप्ट करते हो एंड आप आगे चीज़ों में बढ़ जाते हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई मूव ऑन, एंड आपको भी ऐसे करना चाहिए, स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, अपने काम पे ध्यान दो, आपको जो भी चीज़ से एस्केप मिलता हो काम से, अपने फ्रेंड्स से मिलके, फैमिली के साथ बैठ के या किसी से ही बात करके, किसी का कुछ भी एस्केप हो सकता है। सो आपको लगता है कि ये मेरा एस्केप है, आप उस चीज़ को ज़्यादा करो, है ना, अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो एंड थिंग्स इवेंचुअली वर्कआउट। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बट आप मूव ऑन कर लेते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये फैक्ट कि यस यार अब चीज़ें ऐसी नहीं है एंड आई हैव टू मूव ऑन, तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू चीट ऑन योर लास्ट रिलेशनशिप। सो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा, नो गाइस, आई एम नॉट समवन जो चीट करता है या पागल बनाता है किसी का भी, नेवर सच अ पर्सन। मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में कोई चीट नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, इट वॉज जस्ट दैट थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट, तो वी जस्ट पार्टेड वेज, अंडरस्टैंड दिस, कोई चीट नहीं करा है मैंने। सो येस दिस इज आंसर। वाई डिड यू ब्रेकअप एंड वॉट इज द रीज़न फॉर योर ब्रेकअप। सो गाइज मैं आप लोगों का आज एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग सभी को पता है, इट इज़ बीन 6-7 months राइट नाउ, एंड आप सबको बताया भी था कि ब्रेकअप हो चुका है। एंड देखो रीजन्स पूछ तो आप, सी आई डोंट वॉन्ट टू टेल एनीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ, ठीक है, एंड मैं किसी और को नीचा दिखा के या किसी और के बारे में बुरा बोल के या किसी और से वो चीज़ करके, है ना, अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना चाहता कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हुआ या वो ऐसा बोले कि उसके साथ ऐसा,
आई एम नॉट इन टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स एनीमोर, मेरे को नहीं बताना था, इट इज जस्ट दैट खत्म हो चुका है, तो आप लोगों को बता देता खत्म हो चुका है, राइट। सो इसलिए नहीं बताया गया बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो दैट पाथ कि यार बैठ के अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मैं किसी और के लिए कुछ बोलूँ या क्या चीज़ें हुई, आई डोंट वॉन्ट टू टेल आउट थिंग्स लाइक दैट, इसलिए नहीं बताई गई हैं। इट इज जस्ट दैट चीज़ें खत्म हो गई हैं, वी स्टिल टॉक, ऐसा नहीं बात नहीं करते, वी स्टिल टॉक बाहर चुन चुन, उसको कुछ भी चीज़ पूछनी होती है चुन चुन के रिगार्डिंग कुछ बता, वी डू टॉक, ऐसा नहीं है। सो येस, बट थिंग्स आर ओवर, शी इज डूइंग वेल इन अ लाइफ, आई विश ऑल द लक एंड हैप्पीनेस ओवर देयर, अच्छा है, अच्छे से करियर अच्छे से रहे, एंड आई एम ट्राइंग टू डू वेल टू, मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माई लाइफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा है बेस्ट कोट एंड कंडीशनर फॉर डॉग्स एंड ऑल्सो प्रोटीन फॉर वेट गेन। डॉग्स के लिए आप किसी भी वेट के पास जा सकते हो, किसी भी वेट शॉप पे जाके आप देख सकते हो कि आपका स्पेसिफिक ब्रीड कौन सा है डॉग का, एंड उसके हिसाब से वो रेकमेंड कर देते हैं आपको। बेसिकली कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, डॉग शैम्पूज आते हैं, डॉग परफ्यूम्स आते हैं, दिस अ वेरी नाइस, अगर आप डेली बेसिस पे बात नहीं भी करा रहे हो अपने डॉग को, तो एक डॉग परफ्यूम होता है उसको लगा दो तो अच्छा रहता है। अपने डॉग का कोट अच्छा करना है, जो उसकी फर होता है बेसिकली, उसके लिए आप उसका खाना अच्छा दो, जितना आप न्यूट्रिशन वाला खाना दोगे, जितना आप न्यूट्रिएंट रिच प्रोटीन रिच खाना दोगे, उतना उसका कोट और हेल्थ अच्छी होती है। सो फोकस ऑन गिविंग क्वालिटी फूड टू योर डॉग्स, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप कोशिश करें, आप उसको पेडिग्री दें, आप उसको ग्रेवी फूड्स दें, होल फूड्स दें, आप घर का एग्स दें, प्लस आप उसकी जो कंडीशनर और शैम्पू जो वेट रिकमेंड करता है आप उसको यूज़ कर लो, सो इट्स वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने लिखा है प्रोटीन फॉर वेट गेन, वेट गेन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, सो डोंट फोकस, दैट्स अ लॉट ऑफ मिथ कि लोग या फोकस करते हैं वेट गेन करना है, डोंट फोकस ऑन गेनिंग वेट, फोकस ऑन गेनिंग मसल्स, फोकस ऑन गेटिंग लीन या फोकस ऑन लूजिंग फैट, डोंट थिंक ऑफ गेनिंग वेट, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वेट गेन में ना बहुत चीज़ें आती हैं, इंसान कुछ भी खाता है एंड दैट इज़ नॉट गुड। आपको जब वेट गेन करना है तो ईट स्पेसिफिक होल फूड्स, आप बनाना शेक्स पी सकते हो, खाना खा सकते हो, एग्स चिकन, एंड इवन अगर मैं कोई प्रोटीन रिकमेंड करना चाहूँ तो आप कोई भी वे प्रोटीन ले सकते हो, कोई भी वे प्रोटीन ले सकते हो आप, एंड वे प्रोटीन्स आर वेरी गुड, बट डोंट डिपेंड ऑन दैट, होल फूड्स ज़्यादा खाओ, इट इज़ जस्ट एन ऐड ऑन आपकी मील्स में, कि हाँ यार आप चार मील तीन मील लेते हो दिन में, तो एक मील स्किप करके आपने साथ में प्रोटीन ऐड कर लिया, सो आपकी बॉडी प्रोटीन की कमी को पूरा कर देता है, आपका टोटल ओवरऑल प्रोटीन कंजप्शन अच्छा हो जाता है, तो इसलिए होता है बस। सो फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस कि हम पूरा डिपेंड हो जाए, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो तीन तीन चार चार पाँच पाँच स्कूप प्रोटीन पी जाते हैं, सोचते हैं हमारी बॉडी बन जाएगी, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू टैकल ऑल अप्स एंड डाउन ऑफ योर लाइफ। हाँ, गुड क्वेश्चन, सो इसका मैं आंसर करना चाहूँगा, देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन ना आते ही रहेंगे, अगर आप में से कोई ये सोचता है कि यार मेरी लाइफ हमेशा ही अच्छी रहेगी, कभी नहीं होने वाला, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फेज भी आएंगे, बहुत बुरे फेज भी आएंगे। वॉट आई डू ओरिजिनली, या मैं अपने आप से क्या करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो आई थिंक यार आगे कुछ अच्छा ही होगा, एंड किसी रीजन से हो रहा है, राइट। लाइक कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है, इट हैपन्स फॉर अ रीजन, आपकी चाहे लड़ाई हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, नौकरी जा रही है, या कुछ भी अच्छा है बुरा हो रहा है, किसी रीजन से होता है, एंड कुछ बुरा हो रहा है ना तो आपको हमेशा सिखा के जाएगा कि हाँ यार मैंने अपने पास्ट में गलती हुई, इससे क्या करा एंड क्या सीखा, ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यार अभी बुरा टाइम चल रहा है, शांत हो जाओ, सब्र रखो, यार भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा, बिकॉज हम ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, हैपन्स गाइस, इट्स लाइफ, अप एंड डाउन होता है, स्ट्रेट लाइन में लाइफ रहेगी तो कभी अच्छी नहीं रहेगी, रिमेंबर दिस, अब अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए खट्टा मीठा चलता रहता है, सो फोकस ऑन दैट, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो चाहे कितना भी बुरा टाइम आए मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ कि अब मेरा टाइम अच्छा आएगा, अब आई विल इम्प्रूव, या अब और आगे जाके ठीक कर सकते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूविंग गाइस, सो नो दिस, ऐसा कुछ नहीं होता कि यार लाइफ खत्म हो गई या अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, होता है, बट टैकल इट कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फोकस ऑन द गुड पार्ट, दिस इज हाउ यू कैन टैकल ऑल द अप्स एंड डाउन्स, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, हैव पीपल अराउंड यू पॉजिटिव, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखो, जो पॉजिटिव बातें करें आपसे, जो आपको मोटिवेट करें, दिस इज हाउ यू कैन टैकल, टॉक विद द पेरेंट्स, उनसे एडवाइस लो किसी भी चीज़ के लिए, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एवर गाइस, क्योंकि टैकल करने का और कोई सोल्यूशन नहीं है, पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस रखो एंड बिलीव कि अभी बुरा टाइम है, आगे अच्छा टाइम भी आएगा मेरा, एंड बिलीव मी गाइस, सब चीज़ खत्म हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू डेटिंग समवन राइट नाउ। नो गाइस, आई एम नॉट डेटिंग एनीबडी, और मेरे को ना अब किसी को आई एम नॉट सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी रिलेशनशिप को नहीं सीख कर रहा है, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल एट द एंड,
एंड यार आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन एनी बडी राइट नाउ, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ माई फैमिली माई करियर राइट नाउ, किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ. येस आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, पहले मैं नहीं करता था बात किसी से भी, बट येस नाउ आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई हैव स्टार्टेड मीटिंग न्यू पीपल, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू इवेंट्स, येस a lot of things. I meet people, but I'm not seeking for any relationship. I'm not dating anyone. That was it for the Q&A session, guys. Thank you so much, guys. So much for asking me all these questions. जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे, अपना टाइम निकाला मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए, थैंक यू सो मच. एंड आई होप आप लोगों को सारे आंसर्स मिल गए होंगे. बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखा है मैंने, सारे क्वेश्चन नहीं लिए, थोड़े बहुत लिए. एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा पहला Q&A ब्लॉग. अगर आप लोग चाहते हो मैं और ऐसे Q&A करता रहूँ, प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो कि आप लोग और ऐसे Q&A चाहते हो, या किस चीज़ पे वीडियोस चाहते हो, आप कमेंट डाउन करिए एंड मैं जरूर उसी पे वीडियो बनाऊंगा. सो दैट इज इट. प्लीज़ गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दो जाके, एक अच्छा सा कमेंट कर देना एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके और फ्रेंड्स भी वीडियो देख सकें, ठीक है. एंड ऑल्सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एक बेल आइकन ये आ रहा सब्सक्राइब का बटन, इसको क्लिक कर दो थोड़ा सा दबा के, ठीक है. और अपने भाई को सपोर्ट करो एंड थोड़ा सा मोटिवेट करो मेरे को, आप लोग थोड़ा सा और प्यार दिखाओ ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए. अभी थोड़ा सा मैं कम बना रहा हूँ, बट यस अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोज़ बनाने के लिए. अंडरस्टैंड? यस. एंड ऑल्सो गाइज हमारे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 8,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग इसे 10,000 कंप्लीट कर दो. End of this month, end of November, I would like you all to complete 10,000 subscribers. हमारी family को और grow करो यार, और motivation दो मुझे, इतना subscribe करो कि मैं इतना ज़्यादा course हो जाऊँ कि मैं और videos बनाऊँ तुम्हारे लिए, है ना. So this is it. Please और ज़्यादा like करो और subscribe करवाओ, अपने दोस्तों से subscribe करवाओ अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप लोग को लगता है कि हाँ इसके content देखना चाहिए तो please subscribe करना, कोई force नहीं किसी को. I'll be more than happy अगर आप लोग subscribe करोगे, support करोगे.